Good evening everyone, and I'm CA Vineet Jain, going to take a lecture over the CIPCC chapter number 1, auditing nature and its basic concepts. Audit hota kya? What do you mean by the word audit? Audit se hum samajhte kya? Bada simple topic hai audit. Sir, kya baat kar rahe ho sir, mere chacha ka ladka aaj tak audit clear nahi kar paya. Are? Chacha ka ladka nahi kar paya na bhai? Tum karoge? Are sir, guarantee de rahe ho kya? दे दूंगा भाई गारंटी, क्या दिक्कत है, लेकिन एक ही कंडीशन है, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना. अच्छा सर, इतना शॉर्ट शॉर्ट हो? हाँ बेटा, ऑडिट एक ऐसा टॉपिक जो बहुत प्रैक्टिकल है, और मैं एक बात कहूं तो सीआईपीसीसी के अंदर दो ही टॉपिक प्रैक्टिकल है, वन इज योर ऑडिट, अनदर वन इज योर टैक्सेशन. अरे सर, आप तो पागल हो गए हो, हमारे मास्टर जी कॉस्ट एफएम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, आपको पता है हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं. अबे नलायक हो, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा जो टॉपिक यूज होंगे वो आपको ऑडिट होगा. सेकंड इज योर इनकम टैक्स. इनकम टैक्स भी ज्यादा यूज होता है, लॉ भी यूज होता है, ऐसा नहीं है. सर आप लॉ तो प्रमोट करोगे ना, तो लॉ के टीचर. अबे फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज होता है, आपके ये यूज होते हैं. इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, समझने के लिए लिखने का तरीका सीखना, बिकॉज आप लोग लिखना नहीं जानते हो. समझ बस समझने को लिखना कैसे है वो मेन है भैया. नॉलेज ऑफ वेस्ट, नॉलेज वेस्ट अगर प्रेजेंटेशन नहीं आती ज्यादा जरूरी है. नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स होना, और अपन लोग जो करेंगे मैं सब लिखूंगा यहां पे, और आपको नोट डाउन करना होगा. सर ऑडिट एक प्यारा सा टॉपिक. ऑडिट सर है क्या? ऑडिट सर हमारे है ना जो सब्जेक्ट है वो ऑडिट एंड एश्योरेंस है. सर ऑडिट नहीं है. मैंने कहा हाँ लल्ला, वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, बट मैं तो ऑडिट बोलता हूँ शॉर्ट टर्म में. सर होता क्या है ऑडिट? मैंने कहा चल बेटा समझा देता हूँ ऑडिट क्या होता है. बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ऑडिट. सर है क्या ऑडिट बेटा? ऑडिट मतलब चेकिंग करना, चेक करके अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करना, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे देना, दैट कॉल इज कॉल्ड एज एन ऑडिट. आपने सुना होगा अपने सीनियर से कि हमें क्या करने जाना है, हम ऑडिट पे जा रहे हैं. होता क्या है ऑडिट? है क्या ऑडिट? ऑडिट मतलब चेक करना किसी चीज को, एग्जामिन करना, और एग्जामिन करने के बाद क्या कर देना भैया, अपना ओपिनियन दे देना. जब मैं आजकल आपसे आपकी बातें करूंगा ऑडिट की, तो मैं अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करूंगा सिर्फ एक वर्ड के ऑडिट पर, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा वो करूंगा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. जितने भी मैं ऑडिटिंग की बातें करूंगा वो सारी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लेकर करूंगा, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा. अपने कोर्स में ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. मैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाने से पहले आपसे सिर्फ एक वर्ड डिस्कस करना चाहता हूं. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप समझते क्या हो? सर आपको तो डेफिनेशन भी नहीं आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, स्पेलिंग भी नहीं आती. उनके बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्पेलिंग है ये रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपने सुना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर होता क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? होता क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर मैंने कहा पूछ बता. सर पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है? सर हमारे मास्टर जी सिखाया करते थे 11th क्लास के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट. हाँ मेरे बेटा बिल्कुल सही. सर मास्टर जी ने सिखाया था पीएनएल अकाउंट, बिल्कुल सही है. सर मास्टर जी ने सिखाया था बैलेंस शीट, सिखाया था नहीं सिखाया था? सिखाया था. तो सर यही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारे मास्टर जी ने क्लास 12th के अंदर स्केड्यूल नंबर 3 बनाना सिखाया था, और आप सीआईपीसीसी के अंदर पढ़ रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्केड्यूल नंबर 3, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाते हो, पीएनएल अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट. बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, योर बैलेंस शीट, योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, योर नोट्स टू अकाउंट. सर नोट्स टू अकाउंट क्या होते हैं बेटा? आप डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस शीट के साथ क्या कर रहे थे, स्केड्यूल्स बनाते हो. जो स्केड्यूल्स बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि ये शो करते हैं कि हमने एक पीरियड के अंदर, एक पीरियड मतलब एक साल के अंदर क्या रिजल्ट अचीव किया है, एंड उस साल की डेट पे, लास्ट डेट पे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है. यही तो आप चेक करते हो. सर रिजल्ट अचीव किया सर, ये कैसे पता चलता है? बेटा ये पता चलता है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से.
और सर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है सर, ये कैसे पता चलता है? सर ये बात पता चलती है अपने को, पता चलती है अपने को अकाउंट से नहीं, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से पता चलता है भाई साहब हमारी क्या है, हमारी कंपनी की क्या है बॉस। बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बेटा मैं ये कहना चाहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि बेटा वो स्टेटमेंट, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कंपनी की पोजीशन के बारे में बताता है, ये बताता है कि भाई साहब कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कितना अचीव हुआ है, बेटा ये बताता है कंपनी का कैश फ्लो कैसे हो रहा है, और इन सारी चीज की डिटेल देता है। दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आप लिखवाओगे नहीं क्या? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहीं डिफाइन किया गया? यस बेटा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 हैज डिफाइन द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले एक नॉर्मल मीनिंग लिखवाता हूं, फिर मैं लिखवाता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स which show the result achieved during the period and position of asset and liabilities for a given date. Financial statement है क्या बेटा? Financial statement का मतलब है वो set of document जो company के बारे में बताता है कि boss company का क्या है, company का क्या है बेटा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एंड कंपनी ने उस पीरियड के अंदर क्या रिजल्ट अचीव करा है। यह कैसे पता चलता है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। सर अब आपने ये तो लिखवा दिया एक जनरल मीनिंग। हाँ मैंने कहा बेटा ये जनरल मीनिंग लिखवा दिया। सर क्या आप इसके बारे में और नहीं बताओगे? मैंने कहा बेटा बताऊंगा। सर इसकी डेफिनेशन तो लिखवा दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं इसकी डेफिनेशन भी बताई देता हूं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन से बताओ। मैंने कहा लिख बेटा, यहां तक लिख लिया, लिख लिया होगा। सर हमारे एक बार लॉ के पेपर में पूछा था कि भाई डिफाइन वर्ड आया था। सर डिफाइन वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बेटा डिफाइन वर्ड का मतलब होता है, मैंने कहा बेटा डिफाइन वर्ड का मतलब होता है कि भाई आप उस चीज के बारे में जो सेक्शन कहता है, जो सेक्शन में एज इट इज लिखा हुआ है वो। सर क्यों बेटा? वर्ड डेफिनेशन एंड मीनिंग के अंदर फर्क है बेटा, वर्ड डेफिनेशन और मीनिंग के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। वर्ड जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है
वो आप एज पर द एक्ट डिफाइन करोगे और जो मीनिंग है वो आप अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो। सर आप डेफिनेशन लिखवा रहे हो, मीनिंग लिखवा रहे हो? बेटा मैंने कहा बेटा मीनिंग तो लिखवा चुका, मैं क्या लिखवा रहा हूं? डेफिनेशन। सर लिखवाते हैं, आओ सर बेटा लिखो। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40, सर ये सबसेक्शन है। मैंने कहा नहीं बेटा, डेफिनेशन सेक्शंस के साथ क्या यूज होता है? क्लॉज होता है, सबसेक्शन नहीं होता। डेफिनेशन सेक्शन से ऑलवेज यूज द वर्ड क्लॉज, नॉट द सबसेक्शन। एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग अकाउंट, अ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस केस में लगता है बेटा? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एनपीओ। सर एनपीओ का मतलब सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती बेटा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। ठीक है सर। सर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है बेटा? वो कंपनी जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है। सर बताओ ना सर कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा? उनका ऑब्जेक्टिव होता है जो कंपनी कंडीशन फुलफिल कर देगी वो चैरिटेबल कंपनी कहलाती है, या चैरिटेबल कंपनी बनने आने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है आरडी से। सर बताओ ना कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? मैंने कहा बेटा याद कर लॉ की क्लास के अंदर अपन ने कैसे याद किया था, 11th क्लास की 3 स्ट्रीम कॉमर्स आर्ट साइंस, ये तीनों क्या? एजुकेशन। जब अपन एजुकेशन करते तब क्या करते हैं? साथ में रिसर्च। थक गए स्पोर्ट्स, पेपर आ गए हे भगवान, चैरिटी रिलीजियस सोशल वेलफेयर, चैरिटी रिलीजियस सोशल वेलफेयर, प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। अगर इनमें से भी किसी ऑब्जेक्ट के प्रमोशन के लिए आप कंपनी बनाना चाहते हो और आपकी कंपनी को प्रोहिबिट किया, आपकी कंपनी जो है किसी मेंबर को क्या नहीं देगी? प्रॉफिट नहीं देगी। एंड आपकी कंपनी क्या करेगी बेटा? प्रॉफिट को यूटिलाइज करेगी किसके लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिटन इन द एमओए ऑफ द कंपनी। तो आपकी कंपनी क्या कहलाएगी? सेक्शन 8 कंपनी। सर समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आया देख लेना सेक्शन 8 कंपनी की मेरी क्लास। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गया। सर और क्या होता है? तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर और नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इफ एप्लीकेबल। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? सर क्या बात कर रहे हो? सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, सर ये वर्ड पहली बार सुन ले बेटा। ये जो वर्ड है ये आपके आईएफआरएसएस का है बेटा, ये जो वर्ड है ये आपके आईएफआरएस का है, ये आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं बनाया जाता। जब सूरल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब रिप्लेस कर दिए जाएंगे NDAS जो कि आईएफआरएस का कन्वर्ज वर्जन है, तब आपको भी क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या बन जाएगी? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा। सर हमें यह बात क्लियर हो गई है? सर हम आपको सर एक बार रिवाइज करवा दो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? मैंने कहा बता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब a set of document which shows the financial position of the company as on the date and the result achieved during the period. In cut short, we say that the following statements are a part of a financial statement. What are the statements? The first is the balance sheet, then profit and loss account or income and expenditure account. Sir, income and expenditure account kis case mein banta hai? Section 8 company case mein banta hai. Cash flow statements, explanatory statements and statement of change in equity if applicable. Abhi applicable nahi hai, अभी एप्लीकेबल नहीं है इसलिए इसके अंदर यह बात इंक्लूड नहीं होगी।
सर ठीक है सर, हमें ये बात आपकी समझ में आ गई है। सर हमने एक बात पढ़ी थी। मैंने कहा क्या पढ़ी थी? सर हमने ये बात कहीं पढ़ी थी सर, जो डोरमेंट कंपनी होती है और सर जो स्मॉल कंपनी होती है एंड सर जो ओपीसी होती है, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी नहीं होता। बेटा उनको जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी नहीं होता। क्या हमने जो बात पढ़ी थी वो सही पढ़ी थी? हाँ बेटा आपने सही पढ़ी थी। सर कहने का मतलब क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के आगे? नो नीड टू मेक, किसके द्वारा? अगर आपकी कंपनी के ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, सर आप इनके बारे में बता दो ना। मैंने कहा बेटा रेलिवेंट क्लास देख लेना मेरी कंपनी लॉ की, उसके अंदर आपको इन तीनों के बारे में पता चल जाएगा। सर ओपीसी होते हैं 1% कंपनी, बेटा स्मॉल कंपनी होते हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होते, उनको स्मॉल कंपनी बोलते हैं। सर 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 मैंने बोल। सर डोरमेंट कंपनी क्या होती है? बेटा इनएक्टिव कंपनी, सोई हुई कंपनी, जो अभी बिजनेस कर नहीं कर रही, अभी वो सो रही है। सर कंपनी भी सो जाती है कि नहीं, समझाने के लिए बताया। सर इन तीनों को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्या? सर ये तीनों कंपनीज के लिए बाकी सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है? मैंने कहा हाँ बेटा, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए चीजें इंक्लूड होती है। बड़े यहां तक क्लियर हो गया? ओके सर 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 मैंने बोलो। सर 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 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन होते हैं? मैंने कहा बता रहा हूं ना, तुम्हें भी बड़ी जल्दी लगी रहती है सर, लेकिन आप बताते नहीं हो। मैं बता रहा हूं बेटा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर कौन होते हैं यूजर्स? बड़ा सिंपल है भाई साहब, आप कंपनी के ऑनर हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या काम किए? बड़ा बनिए की सोच पे रख ले, अगर सीए बनना तो बनिए की सोच रख ले। सर आप बनिए हो क्या? अबे नलायक, जैन हूं, जैन बनिए हो। सर जब भी आप सीए बन गए, हमने देखा है अग्रवाल, गुप्ता, गोयल का राज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा बनिए की सोच रख, ऑनर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन को क्या भैया, प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना डिविडेंड देगा बे? कंपनी है ना, कंपनी के ऑडिट की बात करेंगे हम। भैया कितना डिविडेंड देगा अपन को, कितना फाइनेंशियल पोजीशन है? पिछली बार आपने डायरेक्टर से कहा था कि भैया इतना प्रॉफिट होगा, इस बार क्यों नहीं हुआ? वैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स ने काम करा भैया, हमें तो पता चल जाएगा कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। डायरेक्टर्स को क्या पता चल जाएगा उन्होंने कितना अचीव किया, आगे की प्लानिंग, आगे की बजटिंग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे भाई साहब, जितनी फाइनेंशियल पोजीशन जैसी आपकी। और ये बात किससे पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, एम्प्लॉइज, अरे यार एम्प्लॉइज,
एम्प्लॉयज का क्या होगा सर? बेटा एम्प्लॉयज को पता चल जाएगा, एम्प्लॉयज को पता चलेगा कि भैया कंपनी कितना बोनस देने वाली है, पता चल जाएगा कि भैया कंपनी कितना बोनस देने वाली है, कंपनी से इंसेंटिव कितना मिलने का उम्मीद है, कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी क्या होगी, वेज हाइक होगी। हर बंदा पैसे के बारे में सोचते हैं। हाँ सर आप बिल्कुल सही कहते हो। क्रेडिटर भैया कंपनी ने पता चल जाएगी क्या, देना दे दे या ना दे आगे क्रेडिट, पता चले जी पहले वाला क्रेडिट तो चुकाया नहीं जा रहा, आगे और कह रही है कंपनी जी क्रेडिट पे दो क्रेडिट पे दो क्रेडिट पे दो। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन होगी तो टेंशन वाली बात नहीं है, दे देगी। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, अच्छी नहीं है तो भैया ना दो। ये बात पता कैसे चली आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सर आपने तो अभी चार लोग बताया, मैंने कहा कौन कौन? सर एक बार दोबारा रिवाइज करो। मैंने कहा हाँ बेटा मैंने पहले बताया ऑनर, सर दूसरा आपने बताया एम्प्लॉय, मैंने कहा हाँ। सर तीसरा आपने बताया डायरेक्टर, मैंने कहा हाँ। सर चौथा आपने बताया क्रेडिटर। सर इसके अलावा भी लोग होते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बेटा इसके अलावा होती है हमारी गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट को क्या? बेटा गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? टैक्स, पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट देखते हैं भाई साहब कि कहां से इनकम जनरेट हो रही है ज्यादा, वहीं पे टैक्स लगा देगी। सबसे ज्यादा अपन पेट्रोल वगैरह पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रखा अपन का। देखो आजकल रेस्टोरेंट पे खाने पे वैट भी लग गया, सर्विस टैक्स भी लग गया। गवर्नमेंट को दिखते भैया जहां पे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन चीजें यूज करते हैं उसी पे टैक्स लगा दो अपनी पॉलिसी मेकिंग टैक्सेस के लिए। नेक्स्ट इज लेंडर्स। सर इनके अलावा भी लोग हैं, मैंने कहा हाँ बेटा वो नेक्स्ट अभी लिख दूंगा। रिसर्चर्स, कस्टमर्स, तो सर इनके बारे में बताओ ना एक बार। मैंने कहा हाँ। ऑनर को क्या फायदा है? ऑनर को क्या फायदा है बेटा? ऑनर को फायदा है कि ऑनर केम टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट को यानी डायरेक्टर्स यानी मैनेजमेंट, फॉर डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय को इंसेंटिव्स, फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स को टू नो द क्रेडिट क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट को फॉर पॉलिसी मेकिंग, टू लेवी टैक्सेस, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, लेंडर्स को टू नो रिकवरेबिलिटी ऑफ देयर ड्यूज, टू नो रिकवरेबिलिटी ऑफ देयर ड्यूज। सर कौन कौन से यूजर्स है? फर्स्ट इज द ऑनर। ऑनर को क्या पता चलेगा? व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? एम्प्लॉय को इंसेंटिव कितना बनना है कि भाई साहब क्या जो है फ्यूचर के अंदर कंपनी जो है
टिकेगी भी या नहीं टिकेगी, क्या एम्प्लॉयज को पता चलेगा नहीं पता चलेगा? ऑफकोर्स यस, डायरेक्टर्स को डिसीजन लेने के लिए, बजट बनाने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए परफॉर्मेंस को, क्रेडिटर को भैया क्रेडिट देना दे, क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कंपनी जो है आगे क्रेडिट पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कंपनी को आगे क्रेडिट देना दे, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेक करने के लिए, सब्सिडीज देने के लिए, टैक्सेस लगाने के लिए, जिस कंपनी के जिस पर्टिकुलरली जिस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोइंग होगी, गवर्नमेंट क्या करती है वहीं पे सबसे ज्यादा टैक्सेस लगा देती है। गवर्नमेंट को किससे पता चलता है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। जो अपना मैट है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वो रिलायंस को लगाने के लिए लाया गया था, रिलायंस को फंसाने के लिए इसे लाया गया था मैट। लेंडर्स, सर जी लेंडर्स को क्यों, लेंडर्स को क्या चाहिए भैया? लेंडर्स मतलब होता है जिन्होंने अपन को क्या दिया है, लोन दिया, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, वो उनको क्या फर्क पता चलेगा? उनको किस लिए चाहिए? उनको इसलिए चाहिए क्योंकि उनको क्या चाहिए, अपने ड्यूज की रिकवरेबिलिटी। फटाफट एक बार नोट कर लीजिए। चलते हैं जरा आगे। सर दो लोग और रह गए थे, मैंने कहा कौन? सर कस्टमर्स, मैंने कहा हाँ। सर एक लोग और रह गया था, मैंने कौन? एनालिस्ट, रिसर्चर। सर कस्टमर को क्या चाहिए? मैंने कहा एक बात बताओ, आप एक कंपनी का माल खरीदते हो, आपको पता चलता है भैया कंपनी डूबने वाली है, क्या तब भी आप कहोगे नहीं नहीं कंपनी रुको मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ बहुत बड़ा? कंपनी के पास तो पैसा नहीं है, और ऐसी कंपनी के साथ आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट? क्या आप ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे? क्या ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे? आंसर इज नो। आपको कैसे पता चलेगी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बुरी हो गई है? किससे पता चल रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एनालिस्ट कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं, अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि भाई खरीदो या ना खरीदो। उनको कैसे पता चल रहा है कंपनी के बारे में? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो बस दो लोग और रह गए, वो लोग कौन है? एक है अपने कस्टमर साहब और दूसरे कौन है? अपने रिसर्चर साहब। कस्टमर, टू नो सर्विस प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंसी और जनरल बिजनेस वायबिलिटी बिफोर एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। रिसर्चर फॉर एनालिसिस रिसर्च एक्सेट्रा। कस्टमर को पता चल जाएगा भैया क्या कंपनी जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पता चल जाएगा कि भाई साहब कंपनी जो है चलने लायक है भी है। आपने देखा जो बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं उसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है कि भैया बड़ी कंपनीज ही पार्टिसिपेट करेगी। क्यों? क्योंकि वो टेंडर्स इतने बड़े कि छोटी कंपनी उसको पूरा नहीं कर सकती। तो ये बात कैसे पता चली कौन सी कंपनी बड़ी है कौन सा कंपनी छोटी है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स कौन भैया? जो रिसर्च करते हैं उनको किस लिए चाहिए? कंपनी के एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को बताने के लिए कि खरीदे या ना खरीदे। आई गेस पॉइंट सबको क्लियर हो जाएगा। सर फास्ट, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन जितना हमने पढ़ा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एंड कंपनी ने क्या रिसीव पीरियड रिसीव करा है जिस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, जिस पीरियड का हमने पीएनएल अकाउंट बनाया गया। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 14 ने डिफाइन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। पहला पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एक्सप्लेनेटरी एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। सर ठीक है, हमारी बात थी सर, हमें यहां तक बात क्लियर हो गई। सर और बात बताइए बेटा,
OPC स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनी, ओपीसी स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। यूजर और कौन है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब ऑनर। ऑनर को क्या पता चलता है? कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ऑनर को इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि ऑनर को अपनी कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। सर उसके बाद बताइए ना, मैंने कहा बता। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इंसेंटिव, कितनी वेज हाइक हो रही है, क्या कंपनी आगे चलेगी नहीं चलेगी भैया, वरना भाई जॉब कहीं और ढूंढू। सर और कस्टमर, भैया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता कस्टमर, लेकिन उससे पहले चेक करेगा क्या कंपनी चल पाएगी नहीं चल पाएगी। सर और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा बेटा, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा मेरे भाई कि पॉलिसी मेकिंग करने के लिए कंपनी पे टैक्सेस लेवी करना ही नहीं करना। मैट जैसे बताया था किसके ऊपर लगाने के लिए लाया गया था, रिलायंस के ऊपर लगाने के लिए लगाया गया था, ये कैसे पता चला था? कंपनी के बैलेंस शीट से, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन से। एज पर कंपनीज एक्ट तो बहुत अच्छा कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन एज पर इनकम टैक्स कंपनी को लॉसेस आ रहे थे, कंपनी डिविडेंड देने में असमर्थ थी, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स देती नहीं थी, लेकिन कंपनीज एक्ट के अनुसार जबरदस्त डिविडेंड दे रही थी। तो भैया मैट ला दिया गया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे थोड़ा सा इसके बारे में। सर लैंडर्स को क्या पता चलेगा कि कंपनी दे पाएगी नहीं दे पाएगी पैसा, क्रेडिटर्स को आगे क्रेडिट देना दे, कंपनी क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में पता चल जाएगा। रिसर्चर को आई गेस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन। सर मैनेजमेंट को क्या पता चलेगा? डिसीजन मेकिंग के लिए बेटा, बजटिंग बनाने के लिए, आगे कैसे प्लानिंग करनी उस चीज के बारे में कैसे पता चलेगा कंपनी को, कंपनी को उस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन से मैनेजमेंट को सारी बातें पता चल जाएगी। कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्रेडिटर्स और लेंडर्स में फर्क क्या है। बट जब मैं क्रेडिटर्स की बात करता हूं, जनरली मैं क्रेडिटर्स के अंदर बेटा उन लोगों को इंक्लूड करता हूं जो कि कंपनी को गुड सप्लाई करते हैं क्रेडिट के अंदर, और लेंडर्स के अंदर बेटा मैं उन लोगों को डालता हूं जिन लोगों ने कंपनी में कोई लोन दिया हुआ है, जिन्होंने लोन दिया हुआ है। अब क्रेडिटर है भैया, उसको तो डेली का काम है ना, आज दे रहा है सामान उधार पे, कल दे रहा है, परसों तरसों। लोन वाले ने तो एक बार लोन दे दिया, वो क्या चेक करेगा रिकवरेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही। बात क्लियर हो गई? हाँ सर, और कोई डाउट बेटा? और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर अब क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा देख बेटा अब क्या पढ़ाने वाला हूं मैं। बेटा एक कंपनी है, कंपनी की ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कोई ड्राइंग करके पढ़ाओ ना। मैंने कहा बेटा पढ़ाता हूं, ड्राइंग बनाता हूं। सर क्योंकि हमने सुना आप ड्राइंग बहुत अच्छी अच्छी बनाते हो। मैंने कहा हाँ बेटा बहुत अच्छी ड्राइंग बना, तेरी शक्ल बनाऊंगा ना, याद रखेगा भी। अभी ऑडिटर भैया बनाऊंगा। ये कंपनी है, फिर ऐसी कंपनी है? मैंने कहा बेटा ये कंपनी है मेरी। कंपनी ने क्या बनाई होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ने क्या बनाई होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी ड्यूटी है? टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी ड्यूटी है? कंपनी की ड्यूटी है या नहीं है? ऑफ कोर्स यस। ऑडिटर थोड़ी ना जाकर बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने जाते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, मैं स्टार्ट के अंदर पूरा ऑडिट लेके आने वाला हूं। तो सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सर किसकी ड्यूटी है? कंपनी की ड्यूटी है सर जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बेटा किसका ड्यूटी है? कंपनी की। मैनेजमेंट, क्या मैं कह सकता हूं? इट इज अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ये बात कह सकते हैं। अब ये कौन है? ये ऑडिटर भैया। सर क्या बात है, बड़ी अच्छी है ड्राइंग है। बेटा मेरी ड्राइंग का मजाक मत उड़ाना, ये हमारे ऑडिटर भैया। बिल्लो सर कान का ऑडिटर भैया। किस कौन है? ऑडिटर, क्योंकि ऑडिट करता कौन है? ऑडिटर। ऑडिटर भैया करता क्या है? ऑडिटर भैया जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करते वक्त क्या करेगा? वो अपने एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। एविडेंस कलेक्ट करके क्या करेगा? इवैल्यूएट। उसके बाद क्या देगा? अपना ओपिनियन। बेटा ऑडिटर भैया करता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है। अब सर ऑडिट होता क्या है? बेटा समझो ये सारी चीजें। ऑडिटर करता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है। सर कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है? जो कि मैनेजमेंट ने बनाई है। ऑडिटर ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है ऑडिटर? जो मैनेजमेंट ने बनाई है। सर ऑडिटर ऑडिट में करता क्या? बेटा ऑडिट है क्या? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट है क्या? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर ठीक है। सर किसका ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है? किसकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने जा रहा है ऑडिटर? ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंपनी की, या मैं बोल दूं एक एंटिटी की। किस लिए जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन करने? अपना ओपिनियन देने के लिए। किस लिए जा रहा है बॉस? ओपिनियन देने के लिए, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ओन।
देख ले सिल्का प्रसाद जी. तो द पॉइंट इज दैट ऑडिटर ऑडिट है क्या सर? बड़ा मुस्कुराते रहते हो. मैंने कहा मुस्कुराना चाहिए इंसान को. सर कुछ छुपा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं बेटा. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. किसकी? एक एंटिटी की. सर एंटिटी का मतलब सुनो. एंटिटी मतलब ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, प्रॉफिट वाली भी हो सकती है, लॉस वाली भी हो सकती है, बिजनेस करने वाली भी हो सकती है और चैरिटेबल वन भी हो सकती है. बिजनेस करने वाली भी हो सकती है और चैरिटेबल वन भी हो सकती है. सर ऑडिटर क्या करता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. व्हाट? ध्यान से सुनना. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? सर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बिना किसी दबाव के, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पर्सन. क्योंकि अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऑडिट करने जा रहे हो, उसके कहे के अनुसार अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो क्या फायदा ऑडिट का? ऑडिट का कोई फायदा ही नहीं है. ऑडिट करवाने का फायदा कब है? जब वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है. मैंने क्या, मैंने कहा बेटा एक बार मैं पढ़ा रहा था तो बेटे ने क्वेश्चन पूछा. कहता सर सपोज करो मेरी शादी हो गई. मैंने कहा तेरी शादी हो गई? कहता सर मेरे को बड़ी जल्दी है शादी करनी, क्या मम्मी से बात कर लो. मैंने कहा ठीक है बेटा कर लूंगा बात. कहता सर सपोज करो मेरी शादी हो गई. मैंने कहा हाँ शादी हो गई तो? सर शादी हो गई मेरी. सर मेरी जो है ना बीवी के जो पापा है. मैंने कहा तेरे ससुर जी? कहते हाँ सर उनका बहुत बड़ा बिजनेस है. मैंने कहा हाँ सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ. मैंने कहा हाँ बेटा तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया. सर मैं अपनी बीवी के पापा की कंपनी का ऑडिटर बनने जा रहा हूँ. मैंने कहा तो क्या हुआ? सर पता है सर उनके जो मेरे ससुर जी थे सर उनकी जो है ना उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर उन्होंने लॉस दिखा रखा था जबकि था प्रॉफिट. सर मैंने उनको कहा कि आप प्रॉफिट दिखाइए. सर वो मान नहीं रहे थे. सर मेरी बीवी ने मुझे दंडों से मारा. सर मुझे मजबूरन अपनी बीवी के आगे झुकना पड़ा. सर मैंने मजबूरी में गलत रिपोर्ट पे साइन कर दिया. सर क्या मैंने ऑडिट किया? मैंने कहा तूने ऑडिट नहीं किया. ऑडिट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. वी आर फोकसिंग ओवर ओनली वन वर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पर्सन. अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आप ऑडिट करते हो तो दैट इज नॉट एन ऑडिट. यू हैव टू कंडक्ट द ऑडिट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पर्सन. किसी के इन्फ्लुएंस से बिना मेरे को ऑडिट करना है. अगर मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके एग्जामिनेशन कर रहा हूं तो क्या वो प्रॉपर ऑडिट है? क्या वो प्रॉपर ऑडिटर होगा? आंसर इज नो. तो ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी? एक एंटिटी की. और किस लिए करते हो ऑडिट? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए. क्या अपना ओपिनियन मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फ्रॉड तो नहीं है, कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलती से एरर तो नहीं है. इन सारी चीजों पर ऑडिटर क्या देता है? अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता. तो ऑडिट है क्या? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. आ जाओ मेरे बेटा इस पे. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन यानी ऑडिट करता क्या? एग्जामिन करता है. एग्जामिन किसको करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करते वक्त ऑडिटर क्या करता है बेटा? एविडेंसेस कलेक्ट करता है. क्यों एविडेंस कलेक्ट करता है? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही तो वो क्या देगा? अपना ओपिनियन देगा. सर आपने सुना मूवीज के अंदर तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है मिस्टर अफजल खान को एक बरी कर दिया जाता है. ऐसा होता ही नहीं होता. सर अफजल खान? अबे मेरे एक स्टूडेंट का नाम है अफजल खान. सर हमने अफजल गुरु सुना था, वही तो आपका स्टूडेंट नहीं है? मैंने कहा बेटा अफजल गुरु मेरा स्टूडेंट नहीं है. द पॉइंट इज दैट ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किसका? एक एंटिटी का. किस लिए करते हैं? ताकि हम अपना ओपिनियन दे पाए. सर इंडिपेंडेंट क्या ऑडिट? सर पहले ये उतार लो फिर आगे बताऊंगा. उतारो बेटा फटाफट उतारो. छाप लो जल्दी से छाप लो फटाफट. ओके सर आप लोगों ने ये लिख लिया. चलो अब जरा ऑडिट के फीचर्स बताते हैं इसी डेफिनेशन से. फीचर्स ऑफ ऑडिट. सर आपकी वाक्य में ऑडिटर के स्माइल बड़ी अच्छी है. मैंने कहा चल ये ले दांत ले ले, ये ले दांत ले ले. और कुछ चाहिए क्या? नहीं सर बहुत है. बट एक बात बताओ, आपको ऑडिट आया
क्या आप मुंह उठा के चले जाओगे? सर आपको कहने का मतलब मुंह उठा के चले जाएंगे? मैंने कहा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ऑडिट दिया, क्या आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करोगे? क्या आप ऐसे चले जाओगे? नहीं, आप जो ऑडिट करोगे बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से करोगे। क्या मैं कह सकता हूं ऑडिट इज एन सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? ऑफकोर्स यस, ऑडिट इज एन सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड ऑडिटर मस्ट डू प्रॉपर प्लानिंग बिफोर कंडक्टिंग द ऑडिट। तो फर्स्ट फीचर क्या है ऑडिट का? ऑडिट इज एन सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज एन सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कहने का मतलब क्या है भाई साहब? जो ऑडिटर होगा वो कैसा होना चाहिए बेटा? वो इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ उसकी ड्यूटी क्या बनती है बेटा? ऑडिट करने से पहले ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर एक प्रॉपर प्लान बनाएगा। सर प्लान कैसे बनाएगा? सबसे पहले वो जानेगा कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। क्या आप रेस्टोरेंट का ऑडिट और हॉस्पिटल का ऑडिट एक ही तरीके से कर सकते हो? क्या आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट और टेलीकॉम कंपनी का एक तरीके से कर सकते हो? क्या आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑडिट और एक फ्लिपकार्ट का ऑडिट एक ही तरीके से कर सकते हो? नहीं, आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हो, अपना स्टाफ डिप्यूट करते हो, टाइम देखते हो कितना कितना है, बाकी सारी चीजें देखते हो। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे ऑडिट कर पाओगे? सो ऑडिट के लिए कंसिडर जरूरी क्या है? एक प्रॉपर प्लानिंग होना, ठीक है सर। मैंने इसी के अंदर लिख दिया ऑडिट इज एन सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका होगा भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ऑडिटी का, जिसके कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं ऑडिटी मे बी स्मॉल और बिग, इट मे बी पार्टनरशिप कंपनी एक्सेट्रा, इट मे बी प्रॉफिटेबल और इट मे बी प्रॉफिट वन, इट मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और चैरिटेबल वन, इट मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और चैरिटेबल वन। सर हमें नीचे का दिख नहीं रहा, मैंने कहा बेटा डिक्टेट करता हूं। और एंटिटी मे बी स्मॉल और बिग, इट मे बी पार्टनरशिप कंपनी एक्सेट्रा, इट मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और चैरिटेबल वन। मैं डिक्टेट करो, ऑडिटी मे बी स्मॉल और बिग, ऑडिटी मे बी पार्टनरशिप कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सेट्रा, इट मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और चैरिटेबल वन। सर दो ही फीचर है? मैंने कहा नहीं बेटा, आगे भी लिख रहे हैं फीचर्स का। मैंने कहा बेटा तीसरा फीचर है, दैट इज अ
collection and evaluation of audit evidence. ये है क्या, ये feature क्या था क्या कि boss क्या आप opinion किस basis पर देते हो? On the basis of आपने क्या किया, audit evidence collect किया. तो क्या मैं कह सकता हूं boss, collection and evaluation of evidences while conducting audit, या मैं कह सकता हूं auditor collect the audit evidence and evaluate them in order to give an opinion thereon. क्या मैं बात कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? तो इस फीचर को हम कैसे लिख के ना लिखे, इस टाइप से ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट, ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट, ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट auditor while conducting audit collect and evaluate the audit evidence in order to collect the audit evidence in order to give opinion over the financial statement. In order to give the opinion over the financial statement. अब सर लास्ट पॉइंट क्या था, ऑडिटर ऑडिट करता है किसका, ऑडिटिंग एंटिटी का. किस लिए करता है, ताकि वो क्या दे पाए, ओपिनियन दे पाए. सर ओपिनियन किस बेसिस पे देता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस जो कलेक्ट करें. उसको इवेल्युएट भी तो करना है कि भैया ऑडिट एविडेंस सही है या नहीं है. क्या सिर्फ ऑडिट एविडेंस लेके बैठ जाओगे आप? आंसर इज नो, यू हैव टू इवैल्यूएट देम. जब आप ऑडिट एविडेंसेस क्या लेते हो, जब आप ऑडिट एविडेंस क्या करते हो, कलेक्ट कर लेते हो. जब ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हो तब क्या होता है, ऑडिट एविडेंस इवैल्यूएट करने के बाद आपको क्या देना होता है, ओपिनियन. सर ओपिनियन किस चीज पे देते हैं, ओपिनियन बेटा आप देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या कहते हो भाई, हमने जितनी चेकिंग करी है, हमने जितनी चेकिंग करी है, हमने जितना ऑडिट किया, भाई साहब आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, क्या जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है क्या वो प्रॉपरली फॉलोड की गई है नहीं की गई है, क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलोड की गई है नहीं की गई है. आपको ये ओपिनियन देना है कि भाई साहब क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे गए नहीं करे गए हैं. आपको ये ओपिनियन देना है कि भाई ऑल द मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज किया नहीं किया. सर एक बार वो बताओ बेटा, ऑडिटर किस चीज पर ओपिनियन देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देगा, क्या भाई साहब आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है क्या वो एज पर द एफ आर मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आगे वर्ड यूज करूंगा, क्या वो एज पर द लॉ बनाई है नहीं बनाई है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है गड़बड़ घोटाला नहीं है. भाई साहब हमने जितनी चेकिंग करी है रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे कि रीजनेबल एश्योरेंस 100% चेकिंग नहीं हो रही, करी जितनी करी है उस बेसिस पर हम कह रहे हैं भाई साहब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़ घोटाला नहीं है, दैट इज फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट. भाई साहब सारे मटीरियल फैक्ट इन लोगों ने डिस्क्लोज किए हैं, इन्होंने सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है, सारे रेगुलेशंस इन लोगों ने क्या किए फॉलो किए. तो यानी आपको जो ऑडिट ओपिनियन देना है वो किस चीज पे देना है, आई वुड से दैट ऑडिटर हैज टू गिव opinion over the financial statement that auditor को क्या देना, opinion देना whether financial statement are free from material
misstatement or not, whether all the accounting policies has been complied whether all the legal rules and regulation have been fulfilled whether all the material facts has been disclosed. आपको किस चीज पे ओपिनियन देना है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीजों पे ओपिनियन देना कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेटीरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है. सर मेटीरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? भैया गड़बड़ होना, गड़बड़ होना. और गड़बड़ किस वजह से हो सकती है? या तो फ्रॉड की वजह से होगी या फिर एरर की वजह से हो सकती है. आपको कहना बताना है कि भैया जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज की वो प्रॉपरली क्या कर दी गई है? कंप्लाइड कर दी गई है. आपको ये बताना है कि भैया क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा या नहीं करे. आपको इस पे ओपिनियन देना है क्या डिस्क्लोज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं. आपको इन सारी चीजों के ऊपर क्या देना है भाई साहब? ओपिनियन देना है. आपको इन सारी चीजों के ऊपर क्या देना है दोस्त? ओपिनियन देना है. यू हैव टू गिव एन ओपिनियन वेदर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट, whether all the accounting policies has been complied, whether all the legal rules and regulations have been fulfilled, whether all the material facts has been disclosed or not. सब फटाफट एक बार और फास्ट तरीके से बता दिया. ऑडिट है क्या? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? एंटिटी का. किस लिए करते हैं? विद अ व्यू टू गिव एन ओपिनियन, देयर ओन ओपिनियन देने के लिए. फीचर्स क्या है ऑडिट के? बेटा ऑडिट का पहला फीचर है ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किसकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. सर लगता है आपने दो पॉइंट्स को एक ही पॉइंट्स में मिला दिया. मैंने कहा हाँ बेटा सिस्टमैटिक का मतलब क्या भैया? ऐसा होती नहीं मुंह उठा के चले जाएंगे कभी कुछ नहीं. प्रॉपर देखिए सिस्टमैटिक होगा भैया. हम डिसाइड करेंगे पहले क्या चेक करना है, कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, कब चेक करेगा, कब कब कौन कौन जाएगा ऑडिट हमारा आर्टिकल. प्रॉपर प्लानिंग. सेकेंड ऑडिट किसका करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी? एक एंटिटी का. स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कुछ भी हो सकती है भाई साहब. ऑडिट करते हुए क्या करते हो? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हो. ऑडिट एविडेंस को क्या करते हो? इवैल्यूएट करते हो. इवैल्यूएट करने के बाद और इवैल्यूएट करने के बाद ओपिनियन देते हो. ओपिनियन किस चीज पे देते हो बेटा? आप ओपिनियन देते हो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है. आप ओपिनियन देते हो क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हैज बीन कंप्लाइड और नॉट. आप ओपिनियन देते हो वेदर ऑल द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन फुलफिल्ड और नॉट, वेदर ऑल द मटेरियल फैक्ट्स हैज बीन डिस्क्लोज्ड और नॉट. लिख लीजिए एक बार.
ओके करते हैं स्टार्ट अपना आगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव से. सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? बड़ा सिंपल पॉइंट है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, बेटा ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑडिटर के मैं कहूंगा दो ऑब्जेक्टिव है. एक है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका एस ए नंबर 200 के अंदर और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है एस ए नंबर 240. सर ये है कि स्टैंडर्ड्स है क्या, ऐसे का मतलब क्या बेटा? हमारे एक कोर्स में है ना, जैसे आपके अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वैसे अपने ऑडिट के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है. यानी हमें जो ऑडिट करनी, जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ऐसे ही हम जो ऑडिट करते हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर. सर क्या हमें पढ़ने हैं? हाँ बेटा आपको पढ़ने हैं. सर क्या हमें फाइनल में भी पढ़ने हैं? बेटा हाँ आपको फाइनल में भी पढ़ने हैं. सर इसका मतलब जो आप पढ़ा रहे हो क्या वो फाइनल में काम आएगा? 101% आएगा आपको फाइनल में काम. तो सर फिर पढ़ाना चालू करो ना, वेट क्यों करो? मैंने कहा सुन मेरे बेटा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का? आपने पढ़ चुके हो? सर हम पढ़ चुके हैं. मैंने कहा हाँ अभी तो पढ़ा. सर दोबारा बताओ. मैंने कहा बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिट करने का वो ये है कि ऑडिटर को ओपिनियन देना है. सर ऑडिटर किस पर ओपिनियन देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर. सर क्या ओपिनियन देगा ऑडिटर? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट, वेदर ऑल द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैज बीन कंप्लाइड और नॉट, whether all the accounting policies has been complied or not, whether all the material facts has been disclosed or not. Yani auditor jo deta hai, shit yani jo auditor deta hai wo kya deta hai dost? अपना ओपिनियन देता है. किन चीजों पर ओपिनियन देता है बेटा? ऑडिटर जो है चार चीजों पर बेसिकली ओपिनियन देता है. वो क्या पॉइंट है? पहला क्या है? वेदर ऑल द मटेरियल फैक्ट्स हैज बीन डिस्क्लोज्ड और नॉट, वेदर ऑल द लीगल रेगुलेशंस हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट, वेदर ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज हैज बीन कंप्लाइड एंड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट. मैं लिखूं क्या? सर लिख दो एक बार आप. Primary objective, SA 200 revised. Sorry, अब ऐसे 200 के अंदर मत पूछना. Primary objective of the audit is to give opinion over the financial statement that the primary objective of the audit is to give opinion over the financial statement that pehla kya hai? Whether the financial statement are free from material misstatement or not. Second, whether all the accounting policies whether all the accounting policies has been
consistently applied. शायद पीछे अपन ने ये वर्ड consistently applied वर्ड मिस कर दिया था, उस पॉइंट को देख लेना. Has नहीं आएगा, नलायक have आएगा. सर आप बहुत बड़े नलायक हो. कहाँ बेटा, whether all the legal rules and regulations have been complied whether all the material facts has been disclosed. Whether all the material facts has been disclosed. फिर सर अब नालायक कर गए. फिर हैव था, मैंने कहा हाँ मैं भी आपकी चेक कर रहा था. सर इन बेसिकली इन चार चीजों पे आपको फोकस करना है. वेदर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट. बार बार वर्ड अपना आ रहा है मटीरियल. सर वर्ड मटीरियल का मतलब क्या होता है बेटा वो चीज जो कि किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो कि किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं मटीरियल. उसको हम क्या बोलते हैं मटीरियल. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन IFCI, उसके एक बार उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर को 25,000 रुपए से एक्सेस रेमुनरेशन दी हुई थी, जो कि कंपनी एक्स ने प्रॉफिट की हुई है. आप लोगों ने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा मैनेजर रेमुनरेशन निकालना, एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा बस 25,000 दी हुई थी. तो सिंस वहां पर लॉ की कंप्लायंस नहीं हुई थी इसलिए वो मटीरियल है. लेकिन भैया 10-20-50 रुपए का वहां पर फ्रॉड होते अगर वो दिखाते ना दिखाए तो कोई फर्क पड़ेगा. आंसर इज नो बेटा. मटेरियल मतलब वो चीज जो कि किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मटेरियल. से मटेरियल पता कैसे चलता है बेटा, ये जजमेंट का गेम है. ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है. अगर ऑडिटर को लगता है कि ये चीज मटेरियल तो ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा, दिखाया कहेगा भैया दिखाओ, लगता है मटेरियल तो नहीं दिखाएगा. तो भैया हमें उन वो चीज देखनी है, वो फ्रॉड जो कि मटेरियल, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी बंदे के डिसीजन को क्या करेंगे इन्फ्लुएंस करेंगे. कोई एक 10 करोड़ की कंपनी, उसके अंदर 1 करोड़ का फ्रॉड का हुआ है, क्या वो मटेरियल है या नहीं है? आपको द मटेरियल फैक्ट्स, वी आर नॉट फोकस अबाउट द इन मटेरियल फैक्ट्स, वेदर ऑल द पॉलिसीज हैज बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड. लास्ट पॉइंट में कंसिस्टेंटली अप्लाइड वर्ड भूल गए थे, लिख लेना. कंसिस्टेंटली अप्लाई का मतलब क्या हो रहा है भाई, जितनी पॉलिसीज पिछले साल थी क्या इसी साल हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर हम नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या रीजन है? अगर कोई हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करी तो क्या रीजन है? वेदर ऑल द लीगल रेगुलेशंस हैव बीन प्रॉपरली फॉलोड और नॉट. भैया क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने प्रॉपरली फॉलो करें या नहीं करें? अगर तोड़े तो वो भी डिस्क्लोज करो, करें तो ये बात लिख दो. Whether all the material facts have been disclosed, क्या सारे के सारे material facts हमने disclose करें नहीं करें? करें तो ओके, नहीं करें तो भैया रिपोर्ट गंदी कर देगा ऑडिटर. यहां तक बात क्लियर हो गई? फटाफट एक बार लिखो. चलो
चलो आपने तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मिटा दिया। मैंने कहा नहीं बेटा मैं लिख रहा हूं। सर आप सारा ऑडिट लिखवाओगे हमें? मैंने कहा मैं सारा ऑडिट लिखवा दूंगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सर, सर हमने देखा था आप लॉ के अंदर है ना वो करवाते हो, प्रैक्टिकल के ऑडिट में भी दिखाओगे मैं प्रैक्टिकल चीजें? मैंने कहा हाँ बेटा ऑडिट में भी आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा और उसके लिए मैं दूसरे टाइप की रिकॉर्डिंग करूंगा आपके लिए जो मेरी दूसरे प्रोजेक्टर पे है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया? ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इज टू गिव एन ओपिनियन ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंस द ऑडिटर्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू गिव एन ओपिनियन ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स यस। देयरफॉर अगर ऑडिटर के सामने कोई डाउटफुल सिचुएशन आए, तो डाउटफुल सिचुएशन कैसे है भैया? ऑडिटर एक ऑडिट कर रहा था, मैं ऑडिटर था, मैं ऑडिट कर रहा था और मैंने देखा यार क्लाइंट का जो है ना एक जो बिल आ रहे हैं उनमें हर जगह कटिंग हुई हुई है, एक बिल को इग्नोर करा तो मैंने यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या करूं? मैंने बुलाया फाइनेंस मैनेजर को, मैंने कहा भाई देखो ऐसे ऐसे है। तो फाइनेंस मैनेजर कहता हाँ सर गड़बड़ है। बुलाया एम्प्लॉय को, सख्ताई से पूछा क्या? तो उसने कहा जी सर मैं थोड़ा सा ना घोटाला कर लिया करता था। क्या हमने फ्रॉड पकड़ लिया? नहीं पकड़ लिया, पकड़ लिया। तो कहता है अगर ऑडिटर के सामने कोई डाउटफुल सिचुएशन आई है तो भाई ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि उस डाउटफुल सिचुएशन को रिजॉल्व करे, अपने प्रोसीजर को एक्सटेंड कर दे। ऑडिटर की ड्यूटी है भाई साहब उस ऑडिट प्रोसीजर जो वो ऑडिट करते वक्त कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करे ताकि वो उस डाउट को क्या कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। सर इसका कहने का मतलब क्या है आपका? मैंने कहा बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया हमने अभी पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाता है वो कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है। बेटा अभी एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, आपने मैकडोनल्ड्स में गए होंगे, आप डोमिनोज गए होंगे, आपने एक चीज वहां पे नोट करी है, मैकडोनल्ड्स के अंदर आप पहले पेमेंट करते हो, वो आपको एक स्लिप निकाल कर देते हैं, फिर आपको सामान खाना मिलता है। ऐसा क्यों किया हुआ? जबकि पड़ोस में एक अंकल की दुकान है, पहले आराम से समोसे वगैरह खा लो, समोसे खाने के बाद अंकल पूछते बेटा कितने खाए? आप कहते हो जी 5 खा लिए, जबकि खाए आपने 7-8 थे। अंकल की दुकान पे तो क्या लगा दिया? चूना लगा दिया, फ्रॉड हो गया जी। एम्प्लॉय को सेटिंग कर लिया, एम्प्लॉय कहता है जी 5 बिक्री हुई है समोसे, जबकि हुई थी 10 की। लेकिन क्या मैकडोनल्ड्स के अंदर घोटाला होने का चांसेस है? क्योंकि कंपनी भी गिन के भेजती है, और जब कंपनी का 100 बर्गर भेजे हैं आपने कहा जी डंप हो गए, कोई नहीं 10 डंप हुए, 90 तो आए ना। वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, बिल चेक करने वाला बंदा रख रखा है। तो भैया फ्रॉड को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना भाई सब मैनेजमेंट तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की नहीं है। लेकिन अगर कोई डाउटफुल सिचुएशन आएगी मेरे सामने तो मेरी ड्यूटी है कि मैं इस चीज को अगर फ्रॉड होगा तो निकाल के दूंगा। मैनेजमेंट की ड्यूटी है फ्रॉड को ढूंढना, हम तो भाई एग्जामिन करने आए हैं, हम फ्रॉड डिटेक्ट करने नहीं आए हैं, हम इन्वेस्टिगेटर नहीं है, वी आर नॉट द इन्वेस्टिगेटर। सर कोई एग्जाम्पल लेके समझाओगे? मैंने कहा बेटा बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने कहा बेटा एक एम्प्लॉय है वो 100 रुपए का बिल दिखाता है, एक एम्प्लॉय गया वो 100 रुपए का बिल दिखाता है जी पेट्रोल जी 100 रुपए का डलवाया, हम तो बिल पे रिलाई कर लेंगे, लेकिन वो डलवाता 80 रुपए का, क्या हम चेक कर सकते हैं? क्या हम चेक कर सकते हैं कि वो 80 का डलवाता है? सर पता हम जासूस लगा देंगे, अबे नलायक कितना पैसा मिलता है तेरे को ऑडिट करने का, जो बात कर रहे जासूस लगा देंगे? क्या आप चेक कर सकते हो क्या उसने 80 का डलवाया 85 का डलवाया? आंसर इज नो। तो भाई हमारे सामने जो भी इन्वेस्टिगेशन, हमारे सामने जो भी डॉक्यूमेंट आएगा, हमारे सामने जो भी चीज प्रस्तुत की जाएगी, हम उस बात पे क्या कर लेंगे? पूरी तरीके से रिलाई कर लेंगे, हम उस बात पे क्या कर लेंगे? पूरी तरीके से रिलाई कर लेंगे। अगर उसके अंदर कुछ भी हुआ, अगर उसके अंदर कोई भी डाउटफुल सिचुएशन आ गई तो बॉस तब ऑडिटर की ड्यूटी है कि उस डाउटफुल सिचुएशन को क्या करना, क्लियर करना। जब तक डाउटफुल सिचुएशन नहीं आएगी ऑडिटर उस पर पूरी तरीके से रिलाई करता रहेगा।
अगर कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं आई है, ऑडिटर जो है पूरी तरीके से रिलाई करता रहेगा। जैसे ही डाउटफुल सिचुएशन आ गई, ऑडिटर अब क्या करेगा? जैसे ही डाउटफुल सिचुएशन आ गई, ऑडिटर क्या करेगा? अब अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करेगा, चेक करेगा, अपने डाउट को रिजोल्व करेगा। अगर फ्रॉड है तो मैनेजमेंट को कहेगा कि फ्रॉड को दिखाओ। अगर फ्रॉड है तो मैनेजमेंट को कहेगा कि भैया क्या दिखाओ, फ्रॉड को दिखाओ। मैनेजमेंट नहीं मानता तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या कर देगा? इफेक्ट चेक करेगा। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड, रादर इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट। लेकिन डाउटफुल सिचुएशन आ गई, अब ऑडिटर की ड्यूटी है। तो ऑडिट करते हुए कोई डाउटफुल सिचुएशन आएगी तो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, अब बात समझ में आ गई होगी। पे लिख रहे हैं, एक मिनट में लिख रहे हैं, अपन लोग एक मिनट में लिख रहे हैं। सर हमारे दिमाग में एक डाउट आया, सर आप गायब कहाँ जाते हो बेटा? पानी पीने गया होता। अच्छा सर, पियाओ पियाओ, कोई नहीं सर, हम भी पी लेते हैं, पी लो पी लो। सर दिमाग में आया, सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बड़ा घपला बाज है। सर मैनेजमेंट जो है ना ऑलरेडी सेटिंग कर रखे, पेट्रोल वाले से कहता है 80 रुपए का पेट्रोल डालियो, 20 रुपए चुपचाप हमें दे दियो। चाय वाले से सेटिंग कर रखी है, 8 रुपए की चाय पिलाते हैं, 8 रुपए का बिल दिखाते हैं, लेकिन देता 7 रुपए ही है मैनेजमेंट, 1 रुपए चुपचाप कमीशन वापस मिल जाता है। सर क्या हम ऐसे फ्रॉड को फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई मैनेजमेंट जो है इजीली फ्रॉड डिजाइन कर सकता है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिजाइन कर सकता है, विच इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। इसलिए तो कहा गया ऑडिटर जब तक डाउटफुल सिचुएशन नहीं आएगा, ऑडिटर जिंदाबाद, ऑडिटर कुछ नहीं शक करेगा। लेकिन डाउटफुल सिचुएशन आ गई तो अब चेकिंग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चेकिंग करना किसकी है भाई मेरे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर लिखना चालू करें, लिखते हैं। ऑडिटर्स ड्यूटी इज टू एक्सप्रेस ऑडिटर्स ड्यूटी इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Since audit is done on the basis of test checking therefore it is not possible for the auditor therefore it is not possible for the auditor to find all the fraud or error while conducting audit. Hence,
it is the duty of management to prepare financial statement as per the relevant FRF. Sir, ये FRF क्या होता है बेटा? Financial Reporting Framework. कल मैं आपको बताऊंगा Financial Reporting Framework next class में क्या होता है. It is the duty of management to prevent and detect fraud in the financial statement. However, if while conducting audit, auditor encounter with some doubtful situation, then auditor encountered with some doubtful situation, then it is the duty of to extend his audit procedure to clear doubts. सर हमने नीचे लिख दिया मेरे का however if while conducting the audit auditor encountered with some doubtful situation then it is the duty of the auditor to extend its audit procedure. Extend its audit procedure के बाद आपको जो word लिखना है extend with audit procedure के बाद लिखना है आपको जो word लिखना है that is a to clear the doubt. Extend with audit procedure के बाद लिखना है आपको to clear the doubt. यहां तक लिख लिया आप लोगों ने छाप लीजिए फटाफट.